तो इस सबसे पहले यार रिकॉर्डिंग का फिर मसला आएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है। नो सर, वो बन गया ना उधर मेरा, वो यूट्यूब लाइव करने की कोशिश कर रहा है तो बन गया। उसने लाइव किया ना मेरा उधर, इसलिए वो हो गया पहले वो बने। बहरहाल ये सिंपल राउटिंग यही है देखें, इसके अलावा अभी इसमें कोई फंक्शनैलिटी नहीं। डिटेल पे क्लिक करें तो कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल। किसको ऐड करना है, इधर हमको शॉपिंग कार्ड बनाएंगे तो उसका हम देख लेते हैं कैसे करना है। एक तो ये चीज़ करनी है और इसके अलावा हमने जब उस शॉपिंग कार्ड पे क्लिक करें तो उसकी डिटेल में जाना है। चलो ये वाला झंझट को ख़त्म करें ना, इधर आए पहले यहाँ पे जाएं, मटेरियल यूआई में मिल जाता है मुझे मटेरियल यूआई। चलो मटेरियल यूआई कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा, जिन्होंने कभी यूज़ नहीं किया अगर करना चाहते हैं तो। इसमें ना एक बैज आइकन बड़ा अच्छा मिल जाता है, वो बना बनाया शॉपिंग कार्ट टाइप होता है। इंस्टॉलेशन कर लें, दो लिंक हैं तो ये करना होता है आपने, पहले वाला कॉपी करें और यहाँ पे आगे इंस्टॉल कर दें, और दूसरा आपने करना होता है इसके आइकन वाला, ये वाला कॉपी, और ये होने दें ज़रा। ये भी पेस्ट कर दें, कॉपी, और इसको ले जाएं अपनी नैव बार में। नैव बार के अंदर जहाँ पे एल आई क्लोज हो रही है, उसके बाद यू एल का टेक्स्ट क्लोज हो रहा है, इसके बाद इन्होंने लगाया इसको फॉर्म को। इसको जे एस एक्स में कन्वर्ट नहीं किया होना ना अपनी, अच्छा जी वो भी हो चुका होगा इंस्टॉल, नहीं हुआ अभी करने दें। अब हमें चाहिए यहाँ पे एक दफ़ा देखते हैं बना क्या है यहाँ पे, अब तक सर्च तो मुझे नहीं चाहिए, ये मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअल में शॉपिंग कार्ड एक तो यूज़र बन जाएगा और दूसरा हम शॉपिंग कार्ड लगा लेंगे, कार्ड एक आउटलाइन की बजाय एक को सक्सेस कर देते हैं और एक को वार्निंग कर देते हैं। सी एल एस एन पी एम स्टार, तो क्या करेंगे लोड एंड करके देखें अगर हो जाएगा, नहीं हो रहा जो यूएल का टैग है तो मार्जिन एंड ऑटो कर दें। हाँ जी ले लें, यहाँ पे आप ढूंढे बैज 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 बैज, ये पढ़ इसके ना वो बना बनाया मिल जाता है, इसके अंदर सिर्फ हम शॉपिंग कार्ड ही बदल लेंगे ना, बाकी तो ठीक है। मुझे यही वाला ही चाहिए, ये वाला चाहिए। अगर मैं इसको करता हूँ एक्सपेंड कोड, ये दो चीज़ें चाहिए मुझे, इसको इम्पोर्ट करना है। इंस्टॉलेशन हमने कर दिया है, यहाँ पे ये दो चीज़ें इम्पोर्ट होगी, कॉपी, और यहाँ पे कर दें पेस्ट।
और इस जगह पे लगाना है शॉपिंग कार्ट। तो शॉपिंग कार्ट लगाने का तरीका है, इस जगह पे ये वाला बैच पेस्ट कर दे पे। वो उसी ईमेल टाइप उसका ना आइकन बन जाएगा। ये देखिए इधर आए, ये देखिए ईमेल टाइप। तो इसको तो पहले मार्जिन एंड करें ना, थोड़ा सा स्पेस दें, मार्जिन एंड टू कर दें। चलो तो ये बन गया। इसकी जगह आप रिएक्ट का शॉपिंग कार्ड लगा लें। रिएक्ट के आइकन भी होते हैं ज़्यादा, अगर रिएक्ट करना है ना तो रिएक्ट के आइकन ही लगाया कर, रिएक्ट के अपने आइकन हैं। ये देखिए ये इसको यूज़ करने का तरीका, इसको कॉपी करके पहले तो इंस्टॉल कर लें यहाँ पे, कंट्रोल सी पी एल एस स्टार्ट, इसको आइकॉन को सेव कर लें। और यूज़ करने का तरीका है, इसको कहीं ना कहीं मैं लिख के रख लेता हूँ क्योंकि तो मैंने यूज़ करना है ये। और इधर आ जाएं आप, लिखें शॉपिंग कार्ट। कार्ड ही खाली लिख रहे हैं। चल कॉपी करें और यहाँ पे लगा दें एक, इसकी जगह पे आपने एक्चुअल में लगाना है इस जगह पे ये वाला ये। और इसको कर लें F8, इसी को यहाँ पे इंपोर्ट कर लें। मेरा ख्याल लग चुका होगा अगर ये इंस्टॉल हो गई है, CLS npm इंस्टॉल। और ये झंझट तो खत्म हुई ना, अब हम काम कर सकते हैं अपना इजीली। वो दो आ रहे हैं तो ईमेल तो हमने यूज ही नहीं करना, ईमेल को आप उड़ा दें या आप उसका मेल कलर एक्शन दिया हो रहा है। ये देख के देखें इसको, कलर एक्शन होता है थोड़ा आ रहे हैं। ठीक है वैसे वो, चलो आइकन तो बन ही गया ना, ये आ रही है टोकरी आ रही है। ठीक हो, और ये जो चार है ये फिलहाल अभी के लिए मैं इसको वन कर देता हूँ, ये उड़ा भी दे मेरे लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये लो, अब क्वेश्चन ये कि मैं जब इस प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ ऐड टू कार्ट, तो एक प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो जाए, फिर जब इस पे क्लिक करूँ फिर पेज डिटेल ओपन हो जाए। हमने यहाँ पे करना है एक्शन बटन के ऊपर करना है क्लिक, रिडक्स बन गया। सबसे पहले हम कल वाला स्टोर कन्फिगर करते हैं जो कल हमने काम किया था। यहाँ पे आए, यहाँ पे आप बना लें, स्टोर नहीं है तो पहले सेटअप बनाए यहाँ पे उसका, सोर्स के अंदर जाके रिडक्स, इसके अंदर सारी चीजें बना लें, एक्शंस डॉट js, रिड्यूसर डॉट js, कंबाइंड रिड्यूसर, कॉम रिड्यूसर डॉट js अगर मल्टीपल रिड्यूसर होंगे, और स्टोर डॉट जे एस। एक और मैं चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक नई चीज़ आती है, कॉन्स्टेंट डॉट जे एस होगी, या उसको दिया होता है टाइप डॉट जे एस। इसका मैं एंड पे आपको बता दूंगा, ये नाम भी लिखने को मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ होता है जब आपने नाम लिखने हैं ना, तो नाम जब इम्पोर्ट कर रहे हैं उसमें मिस्टेक ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए होता है। यहाँ पे आप आएंगे क्रिएट स्टोर, और इसके अंदर आपने पास करना था रिड्यूसर, तो यहाँ पे रिड्यूसर मेरे पास है कोई नहीं। सबसे पहले इसको फॉन्ट स्टोर बना के इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दें, ये मैं यहाँ पे आ गया अपने इंडेक्स डॉट जेएस में। अब मैं यहाँ पे दो चीज़ें दे सकता हूँ, एक तो प्रोवाइडर चाहिए मुझे और एक स्टोर जो मैंने अभी बनाया है, बस ये एप्लीकेशन को दोनों चीज़ें प्रोवाइड करा दें। प्रोवाइडर को आपने स्टोर एज प्रॉप्स दे देना, ताकि वो पूरी एप्लीकेशन के अंदर आप स्टोर को यूज कर सकें, स्टोर के अंदर एज ए प्रॉप्स स्टोर दे दें। ये कहानी खत्म हो गई, इसको बंद कर दें। स्टोर में रिड्यूसर चाहिए था तो रिड्यूसर मेरे पास नहीं है, जब मैं रिड्यूसर बनाने आया तो मेरे पास एक्शन नहीं है। ओके,
और जी यहाँ पे अब काम स्टार्ट है आपकी। यहाँ पे आपने एक्शन बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखते हैं एक्शन। एक्शन मैंने आपको कल भी बताया था, ये प्लेन फंक्शन होते हैं। एक्शन यहाँ पे मैं कहता हूँ जी एड टू कार्ट फाउंड, एड टू कार्ट एरो फंक्शन बना लेता हूँ इसको, और फिलहाल इसको रिटर्न करता हूँ। एक ऑब्जेक्ट भी फॉर्म, और यहाँ पे लिखता हूँ टाइप इज इक्वल टू एड टू कार्ट, एड टू कार्ट। और जो डेटा है ना पेलोड के अंदर, मैं कुछ ना कुछ इसको डेटा भेजूंगा, कोई ना कोई डेटा, वो एज ए पैरामीटर आप इसको पास कर दो। ये ऑब्जेक्ट है तो कॉमा लगा रहे हैं। ये पेलोड फिक्स वर्ड नहीं है, आप डेटा भी रख सकते, एबीसी जो मर्जी रख रहे। मैंने आपको कल बताया था कि एक्शन जब आपने भेजना तो दो चीजें भेजनी, एक तो उसका नाम होगा, साथ डेटा अगर जरूरत पड़े तो। हम जरूरत पड़ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे इसके अंदर डेटा जब एड टू कार्ड पे क्लिक करेंगे तो एड डेटा हमने भेजना है, वो पूरा ऑब्जेक्ट भेजना है, तो मैं ये वाला डेटा भेज दूंगा। अगर डेटा, और आपको पता है जावास्क्रिप्ट के अंदर रूल है की और वैल्यू सेम हो जाए तो आप ये वाला एक लिखें तो ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए डेटा रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। ले जी ये हो गया, और इसको आप इधर ही डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर दें, पता नहीं कितने बनेंगे, साथ साथ एक्सपोर्ट कर दें। और एक कर लें कौन रिमूव फ्रॉम कार्ट, इसके लिए तो मैं लहदा लिख लेता हूँ, इसको भी ऑब्वियसली मैं कोई ना कोई डाटा दूंगा, एक्सपोर्ट कौन, इसकी टाइप आ जाएगी रिमूव फ्रॉम कार्ट। डेटा इसको भी दे दूंगा, जो भी आएगा वो ऐसा डेटा वसूल करेगा और उसकी बेस पे हम फैसला कर देंगे। और एक मेरा एक्शन और बन जाएगा एम्प्टी कार्ड, ये अगर कार्ड खाली करना तो एम्प्टी करना है तो उसको डेटा देने की जरूरत ही नहीं, वो वैसे ही मैं अरे ही खाली कर दूंगा, डेटा क्यों देना, जो पड़ा है उसको तो वैसे ही ब्लैंक करना है। लो अभी तीनों मेरे एक्शन बन गए, ऐड टू कार्ट एक्शन रिमूव फ्रॉम कार्ट और एम्प्टी कार्ट, लो ये तीनों एक्शन बन गए। अब आप जाएंगे रिड्यूसर के अंदर, इसको अभी के लिए बंद कर दें, जो हमारा प्रोडक्ट डाटा रिड्यूसर में आ जाए। यहाँ पे रिड्यूसर में आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखने, जितने भी आपके रिड्यूसर्स बनेंगे वो सारी रिड्यूसर फाइल आएगी। यहाँ पे मैं एक कॉमेंट देता हूँ इनिशियल स्टेट, एक ऑब्जेक्ट देता हूँ उसके अंदर फिलहाल मैं कार्ड्स की ना एक अरे रख लेता हूँ, ये मैंने एक अलग डिफाइन कर दिया। आपने जो रिड्यूसर बनाना है कार्ड रिड्यूसर, उसके अंदर आपने दो पैरामीटर पास करने हैं, एक स्टेट और दूसरा एक्शन। मैंने स्टेट, ये जो मैंने इनिशियल स्टेट बनाई है ना, ये वाली स्टेट ही मैं इसको दे देता हूँ। इनिशियल स्टेट होगी कि मेरे पास एक एम्प्टी अरे है। अरे क्यों बनाई है, क्योंकि मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऐड करने, जब मैं शॉपिंग कार्ड में कोई चीज़ ऐड करूँगा तो पूरे का पूरा एक ऑब्जेक्ट जाएगा, उसका नाम, ये जो भी उसकी प्रॉपर्टी प्राइस है, तो हो सकता है मैंने मोर देन वन चीज़ें ऐड करनी है तो एक पूरी अरे बनेगी, तो इसलिए मैंने उसकी इनिशियल स्टेट खाली अरे दे। और यही स्टेट मैंने स्टेट के अंदर ये इनिशियल स्टेट पास कर दी है। यहाँ पर आपकी लॉजिक आ जाएगी, स्विच लगाएं आप, अगर एक्शन डॉट टाइप ये टाइप स्मॉल ही है ना, ठीक है वो तो क्या करें, तो यहाँ पे आपने केस लिख देंगे। पहला केस क्या होगा, ऐड टू कार्ट, यहाँ से कॉपी कर, हाँ कर सकते हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाएगा, इसलिए स्विच आपको पता टाइम पे जाता है। मैंने इसलिए आपको कल भी ये ऑप्शन बताई थी कि आप वो कर लें या ये कर लें। और मैं यहाँ पे रिटर्न क्या करूँगा, जो मेरी स्टेट डॉट कार्ड्स है उसके अंदर फिलहाल मैं क्या करता हूँ, अभी मैं कर देता हूँ जी हेलो कर, जब क्लिक करें ऐड टू कार्ड पे तो हेलो आ जाएगा,
टेन लिखा आ रहे, जस्ट पीरियड ही सिंपल लिख देना, पीरियड के अंदर क्या लिखा आ रहे, रिटर्न पीरियड इज इक्वल टू रिटर्न स्टेट 100। ये भी इस पे लॉजिक लिखनी है हमें, ये वैसे एक हमें जरा जगह फिल कर लेते हैं एक दफा, एक केस बन गया, दूसरा तीसरा और एक और आ जाएगा, यहाँ पे ऐड टू कार्ट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रिमूव फ्रॉम कार्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं ये वाला, और अगर ये वाला करे तो इसके अंदर कर लें 5, और अगर हो एम्प्टी कार्ड इसको हमने किया ही कोई नहीं, EMPTY कॉपी एम्प्टी कार्ड, तो स्टेट को आप ऐसा करें रिटर्न स्टेट इज इक्वल टू खाली, खाली अरे ही खाली कर, या इसके अंदर लिख दो आप कुछ भी लिख दो एम्प्टी का, मैं ये फिलहाल मैसेज रिटर्न कर, एक दफा देखे ना कि हमें मिल क्या रहा है, ताकि मैं एक दफा वन बाय वन चीजें वेरीफाई हो रही है कि हमारा प्रोसेस ठीक हो गया या नहीं। और यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कंसोल डॉट लॉग में मुझे एक्शन में क्या मिलता है, कंसोल डॉट लॉग में, ताकि आपको पता चले स्टेप बाय स्टेप मिल क्या रहा है आपको। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्शन इन रिड्यूसर, और इसके अंदर मैं देखता हूँ एक्शन के अंदर जो डेटा आ रहा है ये वाला एक्शन डॉट डेटा के अंदर क्या मिलता है, ये बैक से आएगा जब क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैं जब इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे कंसोल करवा लें ताकि पता चले कि कौन सा एक्शन ट्रिगर हो रहा है, कंसोल डॉट लॉग एड टू कार्ट एक्शन कॉल, इसको जनाब यूजर ने कॉल किया, इस पे आ जाएं, इस पे लिखें, जब तक पहले फ्लो नहीं ना ठीक होगा, बाकी बातें बाद की, पहले फ्लो बनाना असल काम है, रिमूव फ्रॉम कार्ट एक्शन कार्ड, और यहाँ भी चेक कर लेते हैं कंसोल पे एम्प्टी कार्ड एक्शन कार्ड, एम्प्टी कार्ड एक्शन कार्ड, लो जी ये वो वाला सेटअप हो गया जो कल हमने पढ़ा था, एक से ज्यादा एक्शन हो सकते हैं, एक से ज्यादा रिड्यूसर भी हो सकते हैं। अब जब एक से ज्यादा रिड्यूसर हैं तो मुझे सबसे पहले इनको कंबाइन करने की जरूरत पड़ेगी, अब कंबाइन कैसे करेंगे उसके लिए मैंने एक अलहदा फाइल बना दिया कॉम रिड्यूसर, ये भी आपको ऑप्शन मिल जाती है कंबाइन रिड्यूसर के लिए रिएक्टर पर डाउन, आप कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे, यहाँ पे जाके आप लिख दें किसको करना है, कार्ट रिड्यूसर के अंदर ही है ना सारे, तो एक्सपोर्ट नहीं किया हमने, नहीं किया तो कर देते हैं कंट्रोल एस, इधर आ रहे हैं कार्ट, जितने भी रिड्यूसर है मैंने इसको पास कर दी और सारे इसके अंदर हैं, वो मैंने पूरी की पूरी फाइल ही इस कंबाइन रिड्यूसर को पास कर दी, इसको नाम दे देता हूँ कौन रूट रिड्यूसर, इसका फायदा क्या है, आपको लैदा लैदा नहीं कॉल करने पड़ेंगे, अब ये ऐड टू कार्ट अगर मैंने कॉल करना लैदा नहीं करूंगा, ये लैदा नहीं करूंगा, ये कंबाइन, क्योंकि स्टोर को जब जाना है ना, वो गन्ने वाली मिसाल देखें, जब वो आपका जूस उसका निकल जाए ना, तो वो कट्ठा, चाहे आप उसमें लेमन डालें गन्ना डालें, वो जब ग्लास में आता है ना नीचे जो भी रखा आता है वो सारा कट्ठा मिक्स हो जाता है, स्टोर में ऐसे ही करना है, आपने एक चीज सारी चीजें पैक करके उसके हवाले कर दी, आप ये करेंगे ना कि उसको चीनी अलग देंगे, मिर्ची अलग देंगे, नमक अलग देंगे, तो आगे उसको जिस बंदे को ये चीज़ डिलीवर करनी है, अगर उसने फर्ज करो क्लाइंट को देना है, वो उसको ये कैप वो करा कहेगा ये ग्लास पकड़ो, ये जूस पकड़ो, ये नमक पकड़ो, लहरा इसको मिक्स करके पी लो, काम लेंथी हो जाएगा, वो कर लेगा, ये नहीं कि वो कर नहीं सकता, वो करेगा ग्लास पकड़ेगा, फिर ये है कि वो आपको सर्विस चार्जेस काम देगा, सारे काम खुद कर रहा है, इसी तरह एप्लीकेशन का फ्लो बढ़ जाएगा। हम उसको ये जब स्टोर में भेजना है ना, तो स्टोर में हमने पैक करके के डब्बे में भेजना, आगे स्टोर की मर्जी से उसमें से जो चीज़ निकाल के आगे भेजने भेजता रहे, यहाँ पे मैंने कार्ट रिड्यूसर कर दिया इसको, अब इसको भी आप एक्सपोर्ट कर दें, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रूट रिड्यूसर, ये मेरे सारे रिड्यूसर कंबाइन हो गए, और अब स्टोर में जाके पास करना है, तो स्टोर में यहाँ पे मैं कर लेता हूँ रूट रिड्यूसर को कॉल,
और इसे स्टोर को कर देता हूँ बाहर, और इसका नाम दे देता हूँ ऑल कार्ड्स। ये रीनेम कर ले ना करे इसे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी रहने दें तो काम चल जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी की बन गई, ये उसकी वैल्यू बन गई। ये रन टाइम पे मैं उसको रीनेम कर इसका, हाँ अदरवाइज वो रूट रिड्यूसर कर करके ना वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए रीनेम किया था आगे आपको अलग अलग नामों का पता चला कि उनको गेट कैसे करना है। लो जी एक जस्ट आपका बेसिक ओवरफ्लो कल वाला कंप्लीट हुआ जो हमने कल पढ़ा था। अब सवाल ये है कि मैंने करना है क्लिक बटन के ऊपर, एक्सपेक्टेड रिड्यू इंस्टेड टू रिसीव, वो कह रहा है जी एक्सपेक्टेड दी रूट रिड्यूसर टू बी ए फंक्शन, रूट रिड्यूसर कह रहा है जी एक फंक्शन होना चाहिए, रूट रिड्यूसर एज ए फंक्शन होना चाहिए, तो हम इसको एज ए फंक्शन बना लेते हैं। अब ठीक है रूट रिड्यूसर क्रिएट फंक्शन तो नहीं, ये इसी तरह ही आना है कंबाइन रिड्यूसर। अच्छा क्या कार्ड रिड्यूसर मैंने इसको पास कर दिया, रूट रिड्यूसर इधर कॉल कर रहा हूँ स्टोर के अंदर, हाँ रूट रिड्यूसर कॉल कर रहा हूँ और स्टोर के अंदर हवाले कर रहा हूँ इसके। ये पुराना रिडक्स हम कर रहे हैं रिडक्स, तो इसका फ्लो इन्होंने क्या बनाया, एरर आप तो कहानी नहीं चाहिए क्योंकि चीज़ें सारी इंटीग्रेट हो चुकी हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, ये स्टोर आ गया, ये डाटा नंबर ऑफ आइटम्स आ गई, ओके ये ऐड टू कार्ट टाइप है पेलोड है, ठीक है तो यहाँ पे वो कॉमा नहीं लगा रहा पहली बात, दूसरी बात चलो ये तो एक अलग बात है ना, टाइप ऐड टू कार्ट इनिशियल स्टेट रिटर्न, चलो ये भी देख लेते हैं अभी क्या करना है। ये तो प्रोड्यूसर का एक्शन है, वो हम जो मर्जी रिटर्न करें इसको क्या मतलब है, बुक नहीं लो इसमें रूट प्रोड्यूसर ही नहीं दिया। क्रिएट स्टोर इंक्रीमेंट्स विद टाइप एक्शन रिटर्न 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 स्टेट प्लस वन रिटर्न रिटर्न स्टेट के अंदर तो कुछ भी नहीं है, इक्वल टू 100 कर दिया इससे तो फर्क नहीं पड़ता। क्रिएट स्टोर आ गया, ये पुराना है 1990 की अप्रोच है, ये तो कोई फायदा नहीं है, तो खत्म हो गया। एरर दे रहा है रूट रिड्यूसर पे, एरर दे रहा है यहाँ पे, वो दे रहा है ना वो देखो, एक्सपेक्ट द रूट रिड्यूसर टू बी अ फंक्शन इंस्टेड रिसीव प्लान, वो कह रहा है एज ए फंक्शन पास करें, तो हमने फंक्शन ही बनाया था उसको एरो फंक्शन बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर ये वाला कंबाइन रिड्यूसर तो ना होगा ना, रिड्यूसर इज नॉट डिफाइंड, किसी ही किसी वेरिएबल में स्टोर किया था कौन रिड्यूसर में, टीवी फंसे रहेंगे हम 2 घंटे पहला, 1 घंटे यार, ये कोई नई चीज आ गई हो
क्योंकि रिड्यूसर के अंदर फिलहाल अभी टूल किट पे तो काम ठीक चल रहा है। अभी हम इतनी छोटी एरर में फंसे हैं तो अभी तो एक्शन वाले काम देखने। मैं तो फ्लो वैसे मेरे हिसाब से तो फ्लो ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम ऐसा सच है कोई नहीं। फिर भी देख लेते हैं कि ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि उसने एक दो चीज़ों पे ना क्रॉस भी किया है, वो स्लीट हो गई है। आपने शायद गौर नहीं किया, मैं आपको तो हाँ वो चीज़ों को ना वो स्लीट भी कर रहा है चीज़ों को। अच्छा इधर आ रहे हैं सर उस्मान। ठीक उस्मान इधर हमने उसको रीनेम किया हुआ है और स्टोर में क्या किया है जी। अच्छा ओके ओके जानना हो गया, समझ आ गया। आप तो समझ आ गई है, लो हमारी गलती का पता चल गया। अल्टीमेटली ये हम ठीक कर रहे हैं, इसको वो कह रहे हैं यहाँ पे रीनेम कर रहे हैं आर पार्ट्स, और जब स्टोर को आपने पास करना है ना ये हम सही कर रहे हैं यहाँ पे, और ठीक ऑब्जेक्ट लगाया था हमने। ये स्टोर में हम गलत कर रहे हैं, यहाँ पे आपने एज ए इसको पैरा आर्गुमेंट देना है, क्योंकि स्टोर को सब जब सब कुछ मिक्स हो चुका है ये काम कर। ठीक है, इसके अंदर हम कंबाइन तो कर चुके हैं ना ऑलरेडी, तो स्टोर को सिर्फ अगर ये वाला ही पास कर दें ऐसा पैरामीटर तो स्टोर को खुद ही वसूल हो जाएगा। ओके अब आते हैं, एरर फिर भी उसी जगह ही है वैसे। इधर है स्लाइस फॉर ऑल कार्ड रिटर्न अनडिफाइंड, वो कह रहा है जी उसकी स्लाइस पास करें रिड्यूसर में, इसको बंद कर दें फिलहाल। प्रोड्यूसर इसकी भी जगह आप लिख लें रिटर्न 100 रिटर्न 5 रिटर्न एमपी कार। अभी वो फिर उस चक्कर में चला जाएगा, रिड्यूसर की ऑल कार्ड रिटर्न अनडिफाइंड ड्यूरिंग एन यूटिलाइजेशन यू मस्ट बी एक्सक्लूसिवली रिटर्न द इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट में वो कह रहा कोई ना कोई डाटा पास करें, तो हमने अभी डाटा ही खाली रखा हुआ है तो हम क्यों पास करें उसको। अच्छा हाय हाय स्टेट डॉट, अगर मैं स्टेट में चला जाऊं और कार्ड्स में जाना चाहता हूं तो स्टेट और कार्ड्स में चला गया, और यहां पे जाके कहता हूं डॉट 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 स्टेट डॉट कार्ड्स और कॉमा करके डॉट 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 एक्शन डॉट डाटा। अच्छा यहाँ पे फिलहाल कह लें 1 A B C ऑल कार्ड्स रिटर्न अनडिफाइंड ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन ऑल कार्ड्स, यहाँ पे आ जाए ये ऑल कार्ड्स का एरर दे रहा है। ठीक है ओके 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 चलो इसको चलने दें, यार हम अपना काम पूरा करते हैं वो खुद ही सेट हो जाएगा। अभी जो लॉजिक लिखेंगे ना खुद ही सेट हो जाएगा। ये देखें जी असल अब सवाल ये है कि आपका जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे बना हुआ है, डाटा आ गया पेजेस, ये प्रोडक्शन जो यूआई पे शो हो रही है इसके ऊपर मैप लगा हुआ है फेक एपीआई पे, या ये देखिए ये बटन है ऐड टू कार्ट, इस पे मैं क्लिक करूं
तो एक एक्शन ट्रिगर हो और वो वाली प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हो जाए। ये करेंगे कैसे, इसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑन क्लिक का मेथड लिखना पड़ेगा। ये पहले तो उसको बटन बना लें, या वैसे भी वो बटन ही होता है, लेकिन चलो बटन बना लो। और मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे क्या करना है, आपने एक कॉल बैक फंक्शन पास करें, कौन सा एक्शन ट्रिगर करना है, ऐड टू कार्ट ये वाला। इस बटन पे क्लिक करें तो ये एक्शन पहले इंपोर्ट करें, ये एक्शन कॉल होगा और इसको ऐड क्या करना है हमने, ये जो डाटा पीछे से आपका आ रहा है, ये प्रोडक्ट एज ए पैरामीटर पास कर देते हैं। ये आपका एक्शन ट्रिगर हो गया। आम जैसे ऑन क्लिक लिखते हैं लहदा बना लें भाई, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है हाँ तो यहाँ पे लहदा डिफाइन कर लें, वो कोई मसला नहीं। प्रोडक्ट ये मैप में से, ये जो हमने ये नहीं, ये जहाँ पे आप एक्स ही आइटम लेते हैं ये वो वर्क, क्योंकि जिस पे क्लिक कर रहे हैं वो एक एक ही आइटम आ रही है ना, ये पूरी एक कार्ड है, तो मैं जब क्लिक कर रहा हूँ ये पूरे का पूरा एक कार्ड ही उसको एज ए पैरामीटर भेज रहा हूँ, और इधर एक्शन में जाकर उसको वसूल कर रहा हूँ। इधर ये वाला एक्शन कॉल हो जाएगा, और जब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर वैसे स्टेट के अंदर अभी मैं वैसे ब्लैंक भी रख देते ना तो ये एरर वैसे ही खत्म हो जानी थी। रिड्यूसर इज इक्वल टू, फिलहाल मैं यहाँ पे करता हूँ खाली, ये करे रखता हूँ अभी, यहाँ पे करता हूँ रिटर्न वन, रिटर्न फाइव, रिटर्न प्लान प्लान प्लान, यहाँ पे एरर ढूंढेंगे पहले। एक्शन इन रिड्यूसर अनडिफाइंड, दिस रिड्यूसर स्लाइस रिड्यूसर फॉर की ऑल कार्ड रिटर्न अनडिफाइंड ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन, इफ दिस स्टेट पास टू द रिड्यूसर इज अनडिफाइंड यू मस्ट एक्सप्लिसिटली रिटर्न द इनिशियल स्टेट मे नॉट बी अनडिफाइंड, इफ यू डोंट वॉन्ट टू सेट अ वैल्यू फॉर रिड्यूसर यू Normal instead of undefined। अच्छा ऑल कार्ड ये कर रहा है यहाँ पे, इसको डाटा नहीं मिल रहा रिड्यूसर में, और ये हम दे रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे हम कहते हैं जी इसको, अभी मैं कहता हूँ स्टेट के अंदर कर दो जीरो और रिटर्न कर दो वन, स्टेट इक्वल टू जीरो, अनडिफाइंड। ये उसको डाटा, ये यहाँ पे डाटा भी नहीं मिल रहा जी, ये वाला डाटा नहीं वसूल कर रहा। चलो अभी हम डाटा देते ही नहीं मिल, और बताओ यहाँ पे मैं कहता हूँ जी पाँच, चल मैं हार्ड कोड डाटा भी कर देता हूँ। एक्शन रिड्यूसर अनडिफाइंड, स्लाइस रिड्यूसर फॉर की ऑल स्लाइस रिटर्न अनडिफाइंड, स्टेट के अंदर जीरो आ गया जनाब। स्टेट के अंदर मैं फर्ज करो एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पे, अगर मैं खाली एक ऑब्जेक्ट भी दे दूँ, चलो इधर तो है कोई नहीं, जब प्रोड्यूसर में आया ये, अच्छा ओके ओके
payload is not defined in HTTP, it is not. ये पेलोड में डाटा भेज रहा हूँ, डाटा में पांच भेज रहा हूँ, पेलोड इज नॉट डिफाइंड 21 और 9 लाइन पे, तो ये वाला पेलोड नहीं दे रहा, इसको मैं दे देता हूँ 10 और चलो। अच्छा जी ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो असल में ना ये हमने उसकी डिफॉल्ट पार्ट ही लिखा हुआ है फ्रिज का, तो वो आगे वो रिड्यूसर ही आपस में कंफ्यूज हो गए थे, बाकी आप ये जो स्टेट पहले वाला भी काम ले जाए ना तो उसको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखें यहाँ पे अगर इनिशियल स्टेट भी पास कर देना तो यहाँ पे फिलहाल कोई मसला नहीं, ये कंट्रोल एस करें और रिटर्न वन प्लान टू जो भी है ये देखें मेरे। अच्छा जी अब मैं राइट इस पर क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और देखते हैं होता क्या है, इस पर इधर लेके आते हैं, इसको क्लियर करते हैं यहाँ पे कंसोल क्लियर, मैं किसी भी चीज़ पे क्लिक करता हूँ इस पर ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट एक्शन कॉल, एक्शन कॉल हो रहे हैं। आगे तो हम रिड्यूसर में उसका डाटा लेके जाएंगे ना, देखते हैं कि रिड्यूसर में डाटा लेके कैसे जाएंगे। पहले तो ये था कि हमारा प्रॉब्लम था कि वो एक्शन कॉल ही नहीं हो रहे थे, ठीक है अभी स्टेट फिलहाल मैं खाली कर देता हूँ, ये भी स्टेट आ गई, और जब मैं करता हूँ इसके बटन पे क्लिक प्रोडक्ट्स पे आ जाएं, इसको ऐसे ही बंद कर दें, अब इस पर क्लिक करूँ तो ऑन क्लिक में मैं प्रोडक्ट भेज रहा हूँ, और प्रोडक्ट में यहाँ से एक्शन के अंदर भेजूँगा अभी, और यही वाला डाटा मैं इसको भेज देता हूँ यहाँ पे, और रिड्यूसर में जाता हूँ तो यहाँ आ जाएगा एक्शन डॉट पेलोड, मैंने नाम उसका पेलोड कर दिया। अब दोनों चीज़ें मैं उसको डाटा भी भेज रहा हूँ और जो डाटा मैं भेज रहा हूँ वही डाटा मैं उसको रिड्यूसर में पास भी कर रहा हूँ। अभी कंसोल पे कर रहे हैं हम, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि काम कर क्या रहे हैं, ये ले एक्शन सिक्स कॉल, लेकिन उसको डाटा नहीं मिल रहा, डाटा उसको मिलना चाहिए। स्विच केस ये अगर मैं कट करके यहाँ पे ले आऊँ इस जगह पे, अब देखते हैं ऐड टू कार्ट एक्शन कॉल, एक्शन कॉल, एक्शन कॉल, अच्छा एक्शन टू कॉल हो रहे हैं मेरे, एक्शन इन रिड्यूसर नहीं आ रहा, अगर मेरा टाइप मैच कर जाती है तो करना क्या है, तो मैं करता हूँ एक काम करते हैं यहाँ पे उस तो डेट डॉट कार्ड्स के अंदर मैं करता हूँ एक अरे बनाओ, क्योंकि अरे पड़ी हुई है तो डॉट 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 करके स्टेट डॉट कार्ड्स की कॉपी ले लो, और जो एक्शन डॉट पे लोड में डाटा आ रहा है उसकी भी कॉपी ले लो डॉट 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 करके, और इसको यहाँ पे आप कंसोल करवा लो इधर, कंट्रोल एस, इस एक एक्शन को साइड पे कर दें। अभी लॉजिक मैंने उस तरह नहीं लिखी, मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि ये डाटा जा क्यों नहीं रहा, इसका कॉम्बिनेशन आपस में क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक ये जुड़ेंगे नहीं एक्शन डॉट स्टेट एक्शन डॉट टाइप, क्या स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, नहीं ऐड टू कार्ट, इधर आए एक्शन में ठीक लिखा हुआ है, इसको कॉपी करें पेस्ट कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ पर मैं रिटर्न करता हूँ ये ओके, इसको देखते हैं अभी इनिशियल स्टेट में कार्ड है, कार्ड एक एम्प्टी रे है, रे के अंदर मैं कॉपी ले रहा हूँ जब मैं क्लिक करूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं
एक्चुअली कॉल हो रहा है। जबकि एक्शन में मैं साथ डाटा भी भेज रहा हूँ। जहां पे इसको उड़ा रहे हैं। एक्शन में जाए जहां पे ये डाटा आ गया, और ये डाटा इधर भेज तो रहे ही नहीं, इधर तो हम 5 भेज रहे हैं। ओके इधर हम डाटा ही भेज देते हैं। ये केस इसका लिखने के लिए हमने अभी जो सर्च किया था केस में, तो नहीं हमने यहाँ पे टू डॉट का जो सिर्फ केस लगाते हैं, ये वैसे पुराना तरीका हो गया इसका। अच्छा लिखा ठीक है, वो भी ठीक ही है, इंक्रीमेंट है, टाइप आ गई डेटा, डेटा के अंदर मैंने डेटा भेज दिया, जब क्लिक करूँ तो डेटा में बैठा चला जाए। ओके यहाँ पे आ रहे हैं, रिफ्रेश इसको करते हैं, क्लिक एक्शन ऐड टू कार्ड, कार्ड कार्ड में डाटा चेंज नहीं होता। कार्ड में डाटा चेंज नहीं आ रहा, वाई हमारे एक्शन असल में ना अटैच नहीं हो रहे इसमें, यहाँ पे अटैच नहीं हो रहे। हालांकि मैंने यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है एक्शन डॉट टाइप, अगर ये वाली टाइप हो तो केस ये बना दो एक, और एक्शन डॉट पेलोड की कॉपी ले लो। अच्छा खाली हम ऐसा करते हैं, एक दफा पूरा फ्लो कर लेते हैं, फिर इसको देखते हैं कहाँ कहाँ मसले आते हैं। यहाँ पे जो हमारी नैब बार थी, नैब बार पे शो कराना है, तो जब आपने डाटा रिड्यूसर से निकालना है ना, आप सिंपल इतना फ्लो अभी के लिए जो मैंने पढ़ाया ना, ये माइंड में सिर्फ रखिए। हमने स्टोर बनाया, एक्शन बना लिए, ये इसी तरह ही बनेंगे, वो देख लेते हैं, वो छोटा मोटा कोई मसला होगा। रिड्यूसर बने, यहाँ पे हम लॉजिक लिखेंगे, सारी लॉजिक लिख, फिलहाल के लिए अभी इसमें मसला आ रहा है, तो इसको मैं स्टेट के अंदर मैं अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे 0, और यहाँ पे कर देता हूँ रिटर्न स्टेट प्लस 1, रिटर्न स्टेट प्लस 1, और यही वाला काम इधर करते हैं रिटर्न स्टेट माइनस 1, इसको रिटर्न कर देते हैं एम्प्टी, इसको करते हैं रिटर्न 0 या रिटर्न हेलो कर देते हैं, और इसमें जो भी स्टेट है वो कर देंगे। ये भी आपके हो गए प्रोडक्ट्स में। अब यहाँ पे ये आपका एक फ्लो कंप्लीट हो गया है, ये एक्शन का आपका फ्लो। हमें दूसरी चीज़ रिड्यूसर में कनेक्ट क्यों नहीं हो रही वो देख लेते हैं। जब मैंने डाटा निकालना है ना, उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा यूज सेलेक्टर। अच्छा दूसरी बात है कि ये हम डिस्पैच नहीं कर रहे, एक्शन जो भेज रहे हैं ना, मेरा लगा कि ये आ रही है, हम खाली एक्शन भेज रहे हैं, ये वाला एक्शन ऐसे नहीं जाते, एक्शन को प्रॉपर डिस्पैच किया जाता है, उसके लिए यूज डिस्पैच का मेथड होता है, यूज डिस्पैच। डिस्पैच मीन अरसॉल्व कर दो, क्या अरसॉल्व करना है जनाब, मैं इसको पहले एक वेरिएबल में अनपैक करता हूँ, ये खूब की तरह काम करेगा। कौन डिस्पैच, मैं ऑन क्लिक पे एक एक्शन डिस्पैच करना चाहता हूँ, ये वाला, ये वाला, ये अब मेरे ख्याल शायद ठीक हो रही है, या इसको बाहर ही निकाल लें, ये बड़ा इधर अजीब सा लग रहा है। इधर करते हैं जी सेंड डाटा, सब कुछ ही उड़ाने लगा मैं। यहाँ करते हैं एक कॉल पे फंक्शन लेते हैं सेंड डाटा, और यहाँ पे आप भेज दें वेरिएबल का नाम प्रोडक्ट, इसको लगा बार डिफाइन कर लेता ताकि आपको प्रॉपर समझ आए। कॉपी करते हैं इधर आ रहे, इसको यहाँ पे डिफाइन करें प्रॉपर, कौन सेंड डाटा, एक एरो फंक्शन होगा, ये डिस्पैच करेगा
क्या एक मेथड ऐड टू कार्ट जो हमने बनाया है और इसके अंदर ये कोई ना कोई पैरामीटर वसूल कर रहा है, क्योंकि हम साथ उसको पैरामीटर भेज रहे हैं, ये पैरामीटर इसको दे। ये तरीका होता है प्रॉपर एक्शन को भेजने का। हम खाली क्लिक कर रहे हैं तो आगे एक्शन रिड्यूसर तक पहुंच ही नहीं रहा, हालांकि हमने कंसोल भी करवाया, वो माइंड भी नहीं ये चीज आ रही कि हमने इसको यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे कंट्रोल डॉट लॉग लिखेंगे ना, कंट्रोल डॉट लॉग रिड्यूसर कॉल्ड यहाँ पे लिख दें एक्शन डॉट पेलोड के अंदर जो भी चीज़ है मुझे दिखा दो। एक्शन के अंदर पेलोड में क्या भेजा है, डेटा, चलो जो भी है वो दिखा देगा। और इसको यहाँ पे भी कर लें ऐड टू कार्ट पे, यहाँ एड टू कार्ट रिड्यूसर डेटा, इसके अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये कंट्रोल एस करें, इधर आ जाएं, रिफ्रेश करें, इसको क्लियर कर दें, सेंड करें, एड टू कार्ड के अंदर भी डाटा आ रहा है रिड्यूसर में, और रिड्यूसर में भी डाटा आ रहा है, यानी 10 नंबर लाइन और 16 नंबर लाइन पर डाटा पहुंच चुका है। ये 10 नंबर लाइन ये वाली है और 16 नंबर वाली ये वाली, तो एक जगह कंट्रोल करा लें, इसका मतलब डाटा पहुंच रहा है यहाँ तक। यानी लॉजिक कोई इसमें कोई ऐसा कोई ट्रिकी चीज़ नहीं है, हम उसको कॉल सही नहीं कर रहे थे। किसी भी चीज़ पे क्लिक करें, ये जॉन हार्डी को क्लिक करते हैं, ये डाटा, ये इसके सारे इंग्रेडिएंट आ रहे हैं। लेकिन इसको वापस उसी स्टेट में लेके आते हैं, इनिशियल स्टेट। फिलहाल मैं अभी रिटर्न कर रहा हूँ स्टेट +1, ऐड टू कार्ड किया, रिड्यूसर कार्ड अनडिफाइंड, रिड्यूसर में डाटा नहीं लेकिन 10 नंबर लाइन में डाटा आ रहा है। वो देख लेते हैं अभी हमने उसमें कैसे ऐड कर, वो तो बेहतर तरीका आप कुछ भी कर सकते हैं उस। ये एक आपका ऑब्जेक्ट है, निशे स्टेट एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक अरे है, ये इसके अंदर अब आपने लॉजिक लिखनी है। जब ऐड टू कार्ड पे क्लिक करे तो क्या लॉजिक लिखेंगे आप, क्या ये वाली लॉजिक काम कर देगी? ये वैसे तो ठीक लिखी हुई है, वैसे फिर भी देखते हैं इसको जरा, इसको क्लिक करें ऐड टू कार्ट, अब क्या कह रहा है, अनकार्ट एरर, एक्शन डॉट पेलोड इज नॉट आइटरेबल, आइटरेबल एक्शन डॉट पेलोड आइटरेबल नहीं, तो उसकी भाई कॉपी ले लो, कोई मसला नहीं। ये एक, ये अब दूसरे पे, हाँ अब ये यहाँ पे हमें लॉजिक बनानी है। एक अगर पे डॉट कार्ड इज नॉट एड्रेबल, वो कहेगा ही कहेगा, एक आप ऐड करेंगे तो वो कर देगा। ये देखिए ये कार्ड रिड्यूसर कार्ड अनडिफाइंड लाइन नंबर 10 को उड़ा दें, ये बार बार है, इसकी अब जरूरत नहीं है। आप किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे ना तो वो ऐड कर देगा। फिर क्या प्रॉब्लम बनाई इसने, एक्शन डॉट पेलोड इस पे क्लिक करें, ये लें 14 लाइन में डाटा आ रहा है। अब यहां तक तो पहले आप ये वाला फ्लो समझें, आप लॉजिकल काम होना है, क्योंकि आपने खाली आंखें बंद करके ऐसे डाटा ऐड नहीं कराना। देखें मल्टीपल सिनेरियोस अब स्टार्ट होंगे जब आप ऐड टू कार्ड कर रहे हैं उसको, वो इसलिए उसको ऐड करने की इजाजत नहीं दे रहा, उसकी वजह ये कि हो सकता है कि वहां पे पहले वो देखना चाहिए हमें कि पहले वहां पे डाटा मौजूद है या नहीं है, पहली बार। दूसरी बार अगर सेम डाटा पहले से मौजूद है तो हमें सिर्फ उसकी क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए, जो गोलेमल की कल मैंने एग्जांपल आपको समझाई थी ना, अब वो वाला जरा कॉन्सेप्ट माइंड में लेके आए।
अब ये सारा मैंने कल भी आपको बताया था, असल खिचड़ी इधर पकनी है सारी इस जगह पे, रिड्यूसर। ये देखो एक तो ये ऑप्शन है, ये ऐड टू कार्ट हो गया, मैं दोबारा फिर इसी पे क्लिक कर रहा हूँ। उसकी क्वांटिटी बढ़ी है, दोबारा वो नहीं इंक्रीज हुआ। हाँ अगर मैं ये ऐड करता हूँ तो ये सिंगल ऐड होगा, ये भी अगर ऐड करूँगा तो ये सिंगल होगा। अब अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो पहले ऐड हुआ हुआ उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। असल ये काम अब करने वाला, तो जब आप उस पर क्लिक करें तो पहले तो वो देखे कि क्या वो प्रोडक्ट मौजूद है, अगर मौजूद है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो, अगर मौजूद नहीं है तो क्या करो उसकी क्वांटिटी एक कर दो। ये काम, ये वाली लॉजिक अभी यहाँ पे आप सारी स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ के जो फ्लो वाला कहानी है ना, पहले उसमें कोई डाउट है तो पहले ये पूछ। जी सर, सर जी कार्ड नंबर आपने भेजा मुझे? नहीं, CNH कार्ड लेके तो साथ आना पड़ेगा, मुझे वैसे नंबर लिखवाया है उसका, CNH नंबर। 3520-84-10-4761. नाम पूरा क्या? ओके मैं करवा दिया, वो कोड भेजता हूँ, चेक करवा देना के नीचे मैं बंदा भेज देता हूँ, पहले बाहर से तो वो आपको कोड के बगैर एंट्री नहीं करेंगे। एक मिनट देंगे जरा, एक मिनट।
यहाँ पे अब हमने करना क्या है, हमने ऐड टू कार्ट करना है। अच्छा थोड़ा सा खुद सोचें, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक अरे है, मैं क्लिक करता हूँ इस प्रोडक्ट पे, इस पे क्लिक करता हूँ। अच्छा वो कमेंट कर दिया, वो इसलिए गायब हो गया। कंट्रोल जी, ये कंट्रोल है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट पे क्लिक की है? इसी की क्वांटिटी बढ़ानी है। आईडी तो चलो ये तो लिखिए, आईडी अगर फर्ज करो स्पेसिफिक, चलो या तो फिर आईडी से फाइंड कर लो एक तो, चलो ये भी तरीका है। उसके लिए जरूरी है कि आप फिर आईडी यूनिक बना के रखो, या तो आपके डेटाबेस में आईडी यूनिक हो। और इसकी देखो उसने क्वांटिटी एक कर दी हुई है, चलो ये तो मैंने बाय डिफॉल्ट हार्ड कोडेड दी हुई है ना। इसके नीचे क्या आ रहा है, चलो इसको गोली मार। फिर जब मैं इस पे क्लिक करूं, आप देखें उसी की ही क्वांटिटी बढ़ानी है। एक चीज, अगर मैं कोई नई चीज ऐड करता हूं तो पहले वाली चीज वहां पे पड़ी रहेगी, एक नई चीज ऐड हो रही, इसलिए मैंने अरे बनाई है। यानी मैं ये कह रहा हूं मेरे पास ए प्रोडक्ट थी, कुछ इस तरह समझ लो, ए जी प्रोडक्ट, उसका नाम भी ए रख देता हूँ, नेम रख देता हूँ ए, और प्राइस रख देता हूँ 10, और 20 रख दी 1। और इसी को मैंने यहाँ पे आगे कॉपी और बना लेता हूँ, ये बी है, इसकी प्राइस 15 रख दी और 21 है। रिड्यूसर कॉल हो गया। अब ये वाला सिनेरियो आपका एक ऑब्जेक्ट पूरा बन रहा है, ये मैंने वैसे ही ऑब्जेक्ट बना दिया ये इस अरे में। अब ये वाला सिनेरियो है, आपको एक तो अगर आपने पहली दफा ऐड किया ये ऐड हो गया, दूसरी दफा मैं ये एक नई चीज ऐड करना चाहता हूँ, एक तो ये सिनेरियो होगा कि आप एक नई चीज ऐड कर रहे हैं, या दूसरा थर्ड सिनेरियो क्या होगा कि आप यही वाली चीज ऐड कर रहे हैं लेकिन उसकी क्वांटिटी बदल रही है। पहला तो सवाल ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके पास प्रोडक्ट कौन सी है। यहां से आप पहले ढूंढें इसको, यहां पे अगर मैं ये वाला कर दूं और इसको कर दूं, मैं इधर ले आऊं एक्शन डॉट पेलोड की बजाय इसको कर दूं, मैं सेव डॉट कार्ड्स कर दूं, सेव डॉट कार्ड, उसी एरिया में चला के डाटा है। मैं एक और ऐड करता हूँ, अब मैं एक और ऐड कर लेता हूँ, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्योंकि हमने या तो क्लोनिंग नहीं की है हमारी, कोई लॉजिक ठीक नहीं बन रही। इसको हमें देखना पड़ेगा क्या हम इस तरह उसको यहाँ पे ले सकते हैं, नहीं ये भी अप्रोच गलत है क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्ट इस तरह नहीं कर सकते, या तो पुश करें अरे में या उसे अलग ऑब्जेक्ट बनाएं और उसको किसी तरीके से अरे के अंदर लेके आए। ये तो ठीक है, ये पूरी अरे की कॉपी ले रहा है, ये मसला कर रहा है ये वाला। ये सिनेरियो सामने रखते हुए इस चीज में हम काम करें, सबसे पहले तो ये वाली लाइन में रहने देता हूँ, ये वाली, और इसके अंदर एक्शन डॉट पे लोड की भी फिलहाल मैं अगर कॉपी ले लूँ, और ये एक्शन डॉट पे लोड कहाँ से आ रहा है कोई पता, फिर क्लिक करता हूँ, वाइट लेबल नहीं है तो उसके अंदर तो एक ही आइटम आनी है ना, एक्शन डॉट पे लोड में एक ही आइटम आएगी एक वक्त में। और इसको कंसोल कर लिया, ये भी हो गया, ये लो एक आइटम आ गई। अगर मुझे किसी तरीके से इसका इंडेक्स मिल जाए ना इस प्रोडक्ट का, ये इंडेक्स वाइज पड़ी होती है, ये तो आप सबको पता है। यहाँ पे मैं एक मेरा डाटा कहाँ पड़ा हुआ है, ट्रेड डॉट कार्ड्स के अंदर, अगर मैं करता हूँ फाइंड इंडेक्स, ये एक मेथड होता है किसी भी चीज़ का इंडेक्स फाइंड करने के लिए। अगर यहाँ पे वन बाय वन जो मेरे पास आइटम आएगी उसकी अगर आईडी मैच कर दे
जो मेरे पास एक्शन डॉट पे लोड में आ रहा है डाटा, यहाँ पे मैं क्या रहा हूँ इस पे दे रहा हूँ एक्शन डॉट पे लोड, एक्शन डॉट पे लोड की आईडी से इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, फाइंड इंडेक्स नहीं नॉन आइटम इंडेक्स का। और इससे पहले कंसोल डॉट लॉग करवा के देखें इसमें मिलता क्या, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिखे आइटम इंडेक्स इज और यहाँ पे पहले आइटम कंट्रोल एस नहीं, इसको फिलहाल अभी देखते हैं क्या करना है। पहले देखें आइटम इंडेक्स में मिला क्या हमें, इधर आए किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक कर लें, वन और माइनस वन में क्या फर्क है, फाइंड इंडेक्स नहीं पढ़ाया आपको जावास्क्रिप्ट, माइनस वन होगा माइनस में कोई वैल्यू चली जाए या पॉजिटिव में जाए वो ट्रू होगी, अगर जीरो है उसका इंडेक्स तो वो फॉल्स, एब्सोल्यूट जीरो होगी तो फॉल्स है, अदर देन कोई भी वैल्यू आएगी तो वो ट्रू है। देन अगर मुझे उसका इंडेक्स ट्रू मिल जाता तो यहाँ पे मैं लॉजिक लगा देता हूँ, इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन वो जीरो से, क्योंकि जीरो पे तो फॉल्स है ना, अगर कुछ ना कुछ मैं क्लिक करूंगा तो इट मीन्स कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी उसमें, और अगर आएगी वो जीरो से बड़ी होगी, मैंने उसको ट्रू कर दिया। अगर ये ट्रू है तो क्या करना है, आपने करना है ये है कि उसी स्टेट डॉट कार्ड्स को पकड़ें जो इंडेक्स आपको मिल रहा है, इसका इंडेक्स क्या होगा वो जो कार्ड हमने बनाए थे, हाँ उसको मीटिंग रूम में बिठा रहे हैं, मीटिंग रूम में कौन बुला रहा है यार, अच्छा मैं एक मिनट आता हूँ, पहले मुश्किल से कोडिंग से स्लो बनाना ही बड़ा प्रॉब्लम होती है, ये वाला अगर मैं उठाना चाहूँ ना ये वाला डाटा तो आप कैसे उठाएंगे इसको, और कार्ड सब जीरो भाई यही करेंगे ना, इनिशियल स्टेट डॉट कार्ड सब जीरो यही करेंगे कि नहीं, इनिशियल स्टेट डॉट कार्ड सब यही करेंगे, तो मैं यही वाला काम कर रहा हूँ, उसी इंडेक्स की जाके जो क्वांटिटी वेरिएबल है ना उसके अंदर प्लस एक कर दो, ये क्वांटिटी मैंने वेरिएबल बना दिया होगा, हमने पहले लिख दिया था वन किया तो उसमें आप टू कर देगा, वैसे बाय डिफॉल्ट हमें जीरो रखनी चाहिए थी, एक मिनट
उसका इंडेक्स मिल जाए तो उसकी क्वांटिटी कर दो एक, उसमें और ऐड कर दो, अदरवाइज क्या करो, अदरवाइज क्या करोगे आप, अदरवाइज क्या करें, एक वेरिएबल लें टेम्प के नाम से, उसके अंदर जो एक्शन डॉट पे लोड है ना, अगर पहले ऐड नहीं है, मेरे पास ऐड ही नहीं है डाटा, तो उसको ऐड तो करना है ना, उसकी मैं क्वांटिटी इस तरह कर सकता हूँ, वन एक्शन नहीं स्टेट डॉट, नहीं एक मिनट, मैं एक्शन डॉट पेलोड की क्वांटिटी कैसे बढ़ाऊंगा, अच्छा बाक अदरवाइज मैं क्वांटिटी डिक्लेयर करना चाहता हूँ वन, क्या करेंगे ये बताए, बस कॉमा क्वांटिटी कर दें वन इक्वल टू लेफ्ट, ये ठीक है इस तरह, भाई अदरवाइज मैं इसकी क्वांटिटी वन करना, अच्छा मैं कहता हूँ इसकी क्वांटिटी वन कर दो, करो कैसे करो, मैं बाय डिक्लेयर बाय डिफॉल्ट वन करना चाहता हूँ, पहले जीरो है, करो अगर कैसे करोगे, इसको वन करें, मैंने आपको सिचुएशन भी बता दी है, ये सिचुएशन है, इसकी क्वांटिटी वन करनी है, इधर क्वांटिटी भी ऐड कर लो टू एंड डी वन, फिर आप साहब की 0 0 है ऐसे समझो, चलो इसकी वन करनी, जिस पे क्लिक की इस पे क्लिक की, पहला सिनेरियो मैंने डील कर दिया, अब इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है, अब बताएं जरा, वो आपका डाटा आप कहाँ पड़ा हुआ है, जिस पे मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ ये डाटा मुझे मिलता है एक्शन डॉट पे लोड में, ये तो आपको पता है, ये कंफर्म, अगर इसकी ही मैं क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट वन कर दूं और इधर डॉट 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 कर लें, क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट किस तरह वन करेंगे ये ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, उसकी बा ये प्रॉपर्टी की कॉपी बनाएगा स्प्रेड ऑपरेटर, सिर्फ उस बाकी चीजें सेम रहेंगी, ये नेम भी ऐसा रहेगा, प्राइस भी इसी तरह रहेगी, सिर्फ क्वांटिटी बदल गई, इस ये बन रही है सेंस, ये बात अगर बन गई है तो कहानी खत्म हो गई जनाब, इतना ही काम है, और ये वाला डाटा उठा के हम यहाँ पे कर देते हैं स्टेट डॉट कार्ड्स के हवाले, स्टेट डॉट कार्ड्स के हवाले इसको उठा दें, स्टेट डॉट कार्ड्स के हवाले आपका जो स्टेट डॉट कार्ड है उसकी कॉपी आ जाए, और जो अगर नहीं है तो उसकी कॉपी आ जाए, लेकिन ये करेंगे हम इसको, ठीक लो ये एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, इसमें को मसला तो पहले पूछे, ये इसी असल का मैंने आपको कल भी बताया था, असल खिचड़ी इधर पकनी है, बाकी तो सिर्फ आपने सेटअप ही करना है, वो एक दफा आपने कर लिया ये सारी उम्र यही रहना है, सर इसमें एक्शंस बनते जाएंगे, वो बटन के क्लिक पे हम एक्शन कॉल कर देंगे, असल लॉजिक इधर लिखनी है और ये सिनेरियो बेस्ड हो, बेसिकली वो आपने जावास्क्रिप्ट सीखी हुई है,
आप इसके लिए अलग ये भी कर सकते थे। तो जब ये आप डाटा ऐड कर रहे हैं ना, तो स्टेट डॉट कार्ड्स ये भी एक ऑप्शन थी, स्टेट डॉट कार्ड्स डॉट पुश कर सकते थे क्या, एक्शन डॉट पेलोड, और उसकी क्वांटिटी 1 करके, या डॉट क्वांटिटी प्लस इज इक्वल टू 1, ये भी तरीका ठीक है। देखो ना मल्टीपल ऑप्शन, ये अब आपको जावास्क्रिप्ट की स्किल्स आपके काम आएंगी। ये जरा सीधा सीधा है, एक दफा फ्लो पहले सीधा सीधा तो पहले समझे नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, इससे सीधा तो और नहीं कर सकते कि मजीद ही इसको, फिर तो वो लिखनी पड़ेगी सारी प्रॉपर्टी उठा के इधर, लेकिन कंट्रोल एस करते हैं इसको, इधर आते हैं। अब ये क्या कह रहा है, इंडेक्स इज नॉट डिफाइन, कौन सा इंडेक्स कह रहा है, ओ ये करना है आइटम इंडेक्स, वही ये सही कह रहा है वो, ये तो हमारी गलती है ना कि हम उसको गलत कर रहे हैं। यहाँ पे आ रहे हैं, इधर भी करवा लें कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर आपको एक्शन डॉट पे लोड में क्या मिल रहा है और पे डॉट कार्ड्स में क्या मिल रहा है, यहाँ पे लिख दें कार्ड्स और एक्शन डॉट पे लोड, पता तो चले ना जा किसके साथ हो क्या कह रहा है। जब तक ये चीजें आप साथ साथ नहीं ना करेंगे आपको समझ ही नहीं आनी कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। ये इधर आ जाए, इंस्पेक्ट करें, ये ले कार्ड में रिड्यूसर 38 पे एक लाइन ऐड होगी रिड्यूसर के अंदर, यार ये क्यों प्रॉब्लम बना रहा है, फाइंड इंडेक्स अच्छा ठीक है, ओके ओके ये हो जाएगी, खुद ही सेट हो जाएगी, मैं बता देता हूँ। एक्शन डॉट पे लोड के अंदर जो डाटा आ रहा है उसकी आईडी, उसके अंदर आईडी है, बिल्कुल है जी, वो स्ट्रिंग में बनी हुई है ना, ट्रिपल इक्वल कर रहे हैं या फिर डबल इक्वल कर देंगे, ये पता है ना डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल का। अच्छा डबल इक्वल अब क्यों करने की जरूरत आई पेज, कोई भी चीज अगर दोनों की शक्ल देखेगा वो बराबर है कि नहीं, सिर्फ एक्शन डॉट डबल इक्वल करेगा, डेटा टाइप नहीं चेक कर, सिर्फ वैल्यू चेक कर, जो ट्रिपल इक्वल है वो उसकी वो दोनों चीजें चेक करेगा वो। अब चूंकि मैं अब देखा ना तो इधर तो स्ट्रिंग बना हुआ है आईडी देखो, और हम कंपैरिजन कर रहे हैं स्ट्रिक्ट कंपैरिजन, ये गलत बात है ये, जिस वजह से उसको दुश्वारी पेश आ रही है। पहले तो वो ऐड कर रहा है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐड किया ये उसने ऐड कर दिया, इधर आ जाए अब फिर वही प्रॉब्लम दे रहा है, अनडिफाइंड क्यों अनडिफाइंड रह रहा है भाई, कार्ड रिड्यूसर के अंदर इधर एरर क्या आ रही है, पॉइंट इंडेक्स की प्रॉपर्टी अनडिफाइंड मिल रही है उसको, इसको असल में ना हार्ड कोडेड ही कर दें, ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी। क्योंकि हम इसी बेस पे तो सारा फैसला कर रहे हैं,
लो ये डाटा आपका कंबाइन हो चुका है यहाँ पे ए, तो डाटा को बंद कर दें, रिड्यूसर योर टोन डाटा फाइल कंबाइन रिड्यूसर, ये डाटा आपका यहाँ पे आ चुका है सारा इकट्ठा हो गया। मैंने जितना भी मेरा डाटा आएगा ना घूम के, चाहे वो एक प्रोडक्ट है चाहे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी अल्टीमेटली असेंबल होकर इस जगह आएंगी। ये डाटा मैं पास कर रहा हूँ स्टोर को, ये डाटा अगर मैंने सारा निकालना है तो इसका तरीका होता है, इसको आप जाएं नेबार के अंदर, इसके लिए उन्होंने एक मेथड बनाया हुआ है यूज सेलेक्टर, यूज सेलेक्टर, ये इसके इसको यूज करके आप सारा डाटा निकाल सकते हैं यहाँ पे। कैसे निकालेंगे आप, यूज सेलेक्टर को यूज करें, इसका डाटा एक स्टेट में मिलता है, क्योंकि ये जो रिडक्स है इसको कहते हैं ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट करता है, जो छोटी छोटी चीजें हैं उनसे मावरा बालातर हो गई, ये जितनी भी आपकी स्टेट है ये अकेला हैंडल करता है। तो आपका डाटा पड़ा होता है स्टेट के अंदर, और स्टेट के अंदर डाटा आपका पड़ा है इसमें, ये इस जगह पे ये पड़ा हुआ है, इसको आप नया बार में यहाँ कर दें पेस्ट, इसको किसी वेरिएबल में कर लें स्टोर, लेट कार्ड्स इज इक्वल टू दिस, और इसको अगर मैं पहले मैं इसको रिजल्ट कर लेता हूँ, वैसे रिजल्ट इसको करते हैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखते हैं डाटा इन नेबा और कॉमा करें रिजल्ट लॉग। अभी फिलहाल मैं नया बार में शो तो नहीं कर रहा, लेकिन यू सेलेक्टर में मिल क्या रहा है मुझे, ये भी देखें पहले, इधर हैं रिफ्रेश करें, इस पे क्लिक करें इंस्पेक्ट, कंट्रोल करें क्लियर, डाटा इन नया बार खाली है, उसके अंदर एक कार्ड्स की अरे है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है मुझे, तो ऑब्जेक्ट में अगर मैं कुछ ऐड करता हूँ तो इस अरे के अंदर आएगा, ये देखो ये देखो, लेकिन ये नॉट नंबर क्यों दे रहा है, डाटा इन नेबर, अच्छा यहाँ पे ऐड हो गया, कार्ड्स में डाटा ऐड हो चुका है, नेबर में आ रहा है एन 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 ए एन, जबकि हमें कार्ड में मिल क्या रहा था ऑब्जेक्ट, बाय डिफॉल्ट अगर मैं कुछ भी ऐड ना करूँ तो ऑब्जेक्ट मिलता है मुझे, कार्ड्स की एक ऑब्जेक्ट मिलता है जिसके अंदर, अगर मैं ऑब्जेक्ट में से कार्ड को निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ, ऑब्जेक्ट में से कार्ड निकालने डिस्ट्रक्टर,
20 अप्रैल, 20 अप्रैल यहाँ पे आप, आपका एक्चुअल में ये वाला उसको ना कंफ्यूजन हो रही है, प्रोड्यूसर किधर गया है, ये पड़ा है, ये डाटा उसको नजर नहीं आ रहा, ये वाला उसको ऑब्जेक्ट पूरा मिल रहा है, यहां तक नहीं वो पहुंच पा रहा। तो मैं अगर ऑब्जेक्ट में से कोई प्रॉपर्टी, फर्ज करो मेरे, आपको पता ही है, अगर मेरा यहाँ पे एक इनिशियल स्टेट है, इसमें से ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है और एक है और ए बी सी, उसकी ये कर लें और स्टेटस कर लें ट्रू, इसको मैं निकालना चाहता हूँ तो सिंपल है, डिस्ट्रक्चर कर लें, ये ले कार्ड्स कॉमा ए बी सी कॉमा स्टेटस, ये कहाँ से निकालूंगा, इनिशियल स्टेट में, यही काम है ना, तो यही काम कर रहे हैं हम। जरा इधर जब मैं लिखता हूँ तो बंदे परेशान हो जाते हैं क्या कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा था ES6 पे आपकी ग्रेप एटलीस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए अगर रिएक्ट करनी है। लो जी नैब बार में आ रहे हैं, इसको बंद करें फिलहाल, नैब बार ये आ गया, मैंने उसको डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर कर लिया कार्ड्स को। अब मैं कार्ड्स के अंदर आप जाके देखता हूँ मिलता गया, कंट्रोल एस करें, इधर आए, अब देखें रे मुझे मिल गई है, लेकिन अब हाँ अब रे मिल गई। अब अगर मैं ऐड करता हूँ, हाँ अब देखें ना, जैसे नैब बार में फिर स्टिल अनडिफाइंड है, वाई नैब बार में अनडिफाइंड क्यों है, डेटा रे कर ली, अगर मैं इसको रीनेम ना करूं रिड्यूसर को, मैं डायरेक्ट अगर इसको निकालना चाहूँ कंबाइन रिड्यूसर को, इसको मैं डायरेक्ट टारगेट करके देख लेता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, कार्ड रिड्यूसर यहाँ पे आ जाते हैं डॉट फेस, इसको अभी रिफ्रेश करते हैं, डाटा इन नैबार प्रोडक्ट्स पे आ गए, अनडिफाइंड ऐड टू कार्ट एक्शन कार्ड, नैबार में डाटा उसको मिल ही नहीं रहा। अगर मैं डॉट कार्ड्स कर दूँ यहाँ पे और इसको कर लूँ रिजल्ट के अंदर, तो यहाँ पे कर लें रिजल्ट, कार्ड रिड्यूसर के अंदर कार्ड एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर चलो जो मर्जी पड़ा हुआ है वो रे देख लेंगे, फिलहाल इसको रिफ्रेश करते हैं, डाटा इन नैबार लेंथ 0 है, और लेंथ यहाँ पे आपने एक्चुअल में ना यहाँ पे लेंथ प्रिंट करवानी होगी, इसकी जो भी आपका डाटा आएगा ना यहाँ पे इसी की लेंथ यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, तो वो ऑटोमेटिक एक अरे के अंदर अगर मल्टीपल आइटम पड़ी हैं वो देखना हो कितनी है तो हम लेंथ प्रिंट करा सकते, वो ऑटोमेटिक उसकी लेंथ वहाँ पे शो होती रहेगी इस जगह पे कार्ड के अंदर। ऐड करें, ये क्या कह रहा है, रीडिंग लेंथ, उसके अंदर ऐड ही डाटा नहीं ना हो रहा, उसके अंदर डाटा नहीं, ये अनडिफाइंड आ रहा है, हम यहाँ पे डाटा फेच नहीं हो रहा, रिड्यूसर में चला गया ऐड हो गया, अभी यहाँ पे डाटा मिल नहीं रहा उसको इस जगह पे, अच्छा ये ठीक है, इसका कोई मसला नहीं, ये ठीक लिखा हुआ है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, और ही कुछ छोटा मोटा कुछ फॉल्ट है, देखो ना ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक कार्ट है, कार्ट एक अरे है, अरे की लेंथ 0 है, ये प्रोटोटाइप एक ऑब्जेक्ट है, चलो इसको अगर ऐड टू कार्ड करते हैं, देखो ना कार्ड्स में ऐड हो गया है और अरे के अंदर ऐड हो रहा है आपका, चलो उसकी लेंथ निकाल लेते हैं, हेलो जी, अच्छा चलो वो देख लेते हैं, आप 2 मिनट बैठो मैं आता हूँ।
ये देखिए अच्छा लेंथ बढ़ गई है उसकी, वैसे लेंथ बढ़ गई है लेकिन नया बार में डाटा नहीं आ रहा। एन ए एन तो मतलब नॉट नंबर, लेकिन नॉट नंबर वैसे इस ऐसे सिनेरियो में आना नहीं। दोबारा अच्छा एक हमने और गलती तो नहीं की थी यहाँ पे, हमें डबल इक्वल नहीं लगाना चाहिए था, ये ट्रिपल कर देना। और सबकी क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट कर दें जीरो। प्रोडक्ट डाटा क्यू एन टी कॉपी कंट्रोल एच, यहाँ पे करें पेस्ट और कर दें पेस्ट जीरो। तो इतना टाइम ही सबको रिप्लेस कर दें। चलो तो चेंज किया इसमें, कर सब कुछ कर दिया। चलो जारी को जो लें इधर आ जाए, रिफ्रेश करें, क्लियर करें कंसोल। डाटा इन नया बार एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर अरे कार्ड एक लेंथ जीरो है, मैं ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे उसकी लेंथ वन होगी। नया बार में डाटा नहीं आ रहा, उसकी वजह है कि हमने शायद गलती की हो। यू सिलेक्टर ठीक लगा रहा हूँ मैं, यू सिलेक्टर में से निकाल रहा हूँ कार्ड रिड्यूसर का डाटा। कार्ड रिड्यूसर का जो डाटा ये पड़ा हुआ है कंबाइंड रिड्यूसर में, ये पड़ा है कार्ड रिड्यूसर। ओके तो ओके कार्ड रिड्यूसर को आप एबीसी में भी स्टोर कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंबाइंड रिड्यूसर यहाँ तक तो डाटा पहुंच रहा है, यहाँ से डाटा नए बार में नहीं आ रहा। यू सिलेक्टर, और यू सिलेक्टर भी सही लगा रहे हैं हम। यू सिलेक्टर में से डाटा अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे डाटा नहीं आता। अगर किसी फील्ड में डाटा पड़ा हो उसको निकालना हो तो मैं उसी स्टेट के अंदर, वो स्टेट मेरी क्या एक ऑब्जेक्ट है, ये रिड्यूसर मेरा एक ऑब्जेक्ट पड़ी इनिशियल स्टेट, मैं ऑब्जेक्ट में आ गया, ऑब्जेक्ट में पूरा ही ले रहा हूँ उससे, ठीक है। वो अरे भी मुझे दे रहा है लेकिन अरे के अंदर डाटा नहीं दे रहा। स्टेट डॉट कार्ड उसी की क्वांटिटी के अंदर वन ऐड कर दो, अदरवाइज जो एक्शन डॉट पे लोड है उसकी सारी प्रॉपर्टी सेम लो, क्वांटिटी को वन कर दो। और ये क्या कर रहे हैं, स्टेट डॉट कार्ड की कॉपी ले ली, ठीक है, और टेम्प की कॉपी ले ली, दोनों को प्रिंट करवा लिया। एक्शन में भी डाटा आ रहा है, कार्ड में, यहाँ तक तो डाटा पहुंच रहा है। डेटा इन नया बार, ये डेटा इन नया बार आ तो गया है भाई, आ गया डेटा, लो जी कार्ड्स में आ गया तो जनरेटी खत्म हो गई। ओके इसको मैं यहाँ से डायरेक्ट ही अगर डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ कार्ड्स को, और यहाँ पे कर दूँ कार्ड्स, मसला ही मुझे लगता है सॉल्व हो जाएगा। इस तरह रिजल्ट वगैरह डिफाइंड नहीं है, वो लेंथ लगाई होगी ना हमने इधर, ये इसको सॉल्व कर लें। अब क्या कह रहा है, रिफ्रेश और इसको रिफ्रेश कर लो, ये लें इसको। अभी कार्ड खाली है, इसके अंदर मैं करता हूँ एक कैरेट अनडिफाइंड लेंथ। अनडिफाइंड क्यों लेंथ कह रहा है भाई, रीडिंग लेंथ अनडिफाइंड। अच्छा कार्ड में डाटा ऐड हो रहा था अभी, तो हमने किया क्या, डिस्ट्रक्चर उसको किया है। डिस्ट्रक्चर की क्या जरूरत, अगर इसको मैं वैसे ही अभी रिजल्ट देखता हूँ, फिर लाल में रिजल्ट में जाता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, फिर उसको नीचे भी रिजल्ट कर दें। पहले एक दफा सिंपल सिंपल देखेंगे डाटा इंक्रीमेंट भी लेंथ उसकी हो रही है या नहीं। ये कार्ड में ये डाटा इन नया बार आ रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है,
खाली है, एक ऐड किया। अच्छा, जब हम एक्शन ट्रिगर करते हैं ना तब एन एन आता है। इसका मतलब है जब हम एक्शन ट्रिगर कर रहे हैं तो एन ए एन आ रहा है, और इसी की वजह से अगला काम भी खराब हो रहा है। सही बात जी। बहुत नेक्स्ट मेरी चल रही, पहले वाली चल रही क्लास। क्लास ही आपकी है वो नेक्स्ट कौन सी है? हाँ देखना पड़ेगा वहां पे। ठीक करें इसका, मैं ढूंढता हूँ जाके। आ रहा डाटा यहाँ तक आ गया, यहाँ पे डाटा नहीं आ रहा। यहाँ मैं देखता हूँ कि कोई हमने कोई कॉमा शोमा की गलती की है, वो मैं हाईलाइट भी कर दूंगा, कोई मसला नहीं। ये असल लॉजिक भी यही होती है। अगर आपको ऐड टू कार्ट आ गया ना, तो रिमूव फ्रॉम कार्ट इसके रिवर्स हो जाएगा, माइनस एक कर, ठीक जहाँ प्लस कर रहे हैं वहां पर माइनस कर दे। ये मैं शेयर कर देता हूँ कोड, इसको देखें। मैं इसको ना अपने लैपटॉप पे इजी होके देखता हूँ, तो देखता हूँ कोई कॉमा या छोटी मोटी मिस्टेक रह गई तो उन्हें सॉल्व कर देता हूँ। बल्कि एक क्लास लगता है, मैं फिर एक आध रखनी पड़ेगी इस पे। रिडक्स कोड कोड रिडक्स। कल छुट्टी है, कल छुट्टी है यार। ओवरऑल आपका रिडक्स का 90% फ्लो कम्प्लीट हो गया, यही फ्लो है उसका। अब वो लॉजिक है कोई छोटा मोटा, कोड आपका यही रहेगा, कोड नहीं बदलेंगे हम। मैं आपको अभी कह रहा हूँ कोड यही रहेगा। कुछ छोटी मोटी कोई कर्ली ब्रैकेट मिसिंग है, कोई इस तरह की चीज है। आप इसको ग्रीप करें, फ्लो एक दफा अंडरस्टैंड करें इसका। तो डिग्री वैसे ही करा दी है। वो इंटीग्रेशन करवा दिए ना, तो आपको पता हो अगर यूज करना चाहते तो बंदा कर तो सके ना। यूज इसका फ्लो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। रिडक्शन फ्लो ही सिर्फ आप अगर समझ लेना, लॉजिक को साइड पे भी रख दे, लॉजिक आपको आधे घंटे में समझ आ जाएगी। फ्लो अंडरस्टैंड करें। अभी काम इतना ही मन इतना हुआ है हाँ बस यही टोटल यही बन गए हैं, बन गए। अब हमने लॉजिक ही लिख, लॉजिक भी हमने ऐड टू कार्ट लिख दिया है, माइनस की इसके रिवर्स हो जाएगी। और रिमूव के लिए सिर्फ हमने सिंपल एम्प्टी कार्ट शो, उसको जब क्लिक करें एम्प्टी कार्ट पे तो उसकी अरे खाली कर देनी बस। लेकिन ये सारे प्रोसेस होंगे जब हमारा नया बार की लेंथ वाला इशू क्लियर होगा, वो मैं देखता हूँ। और मोस्ट प्रोबेबली कुछ कर्ली ब्रैकेट अजाफी कहीं ना कहीं लगी है, तो तो चेक कर लेते हैं। हाँ वो देख लेता हूँ। यह आपका डाटा शेयर हो गया।